सर क्लियरेंस जल्दी हो जाएगा। ए गुलाटी। यस बॉस। वो लड़का जो शॉपिंग मॉल में मिला था और घर पर आया था, वो किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दो। जरा गॉगल्स निकाल ताकि पता चले कि तू देख भी सकता है कि नहीं। अगर निकालोगे तो मुझे दे देना। बाय डैडी। बाय बाय बेटा। जा भगा उन्हें, इनके मुंह कौन लगेगा। चलो निकलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ गई? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हो? लव के लॉन्ग ड्राइव पर मैडम। तुम अंदर कैसे आए? आइए मैडम। माय सन। ये कौन है? ये है फादर पीनट और मैं इनका चेला फादर प्रोमोग्रेना। आप हमारी कार में कैसे आए? नो योर कार, ये हमारी कार है। काइंडली चेक पिछू की नंबर प्लेट। हम चर्च जा रहे थे तभी तुम्हारी और हमारी कार ट्रैफिक में बदल गई। तुम दोनों जुड़वा भाई हो क्या? हम दोनों अलग अलग माँ के जुड़वा बेटे हैं। स्टॉप दोस टीयर्स, कम नियर, बॉस तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं, यू जस्ट टेक केयर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, वो मेरे सामने गाड़ी में गई पर रास्ते में ही गायब हो गई। मैं कहता हूँ ढूंढो उसे। ए, गाड़ियां निकालो। चीज़ हो तुम। कहा था ना, तुम्हारी सिक्योरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो कॉलेज, नो सिक्योरिटी, नो गन्स। आज अपनी जिंदगी जी भर के जी लो। तुम मेरी टेंशन नहीं समझ रहे हो वकील। प्रेस को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर बताना है तो कमिश्नर को बताओ। बॉस, माधवी मैडम आ गई। हटना बे। आइए मैडम। आज तेरे भेजे में सारी गोलियां उतार। अब तू देख चूजे, ना तू बचेगा और ना ही तेरी ये नौकरी। चलाइए सर, गोली चलाइए। आपकी बेटी को सही सलामत लाया इसलिए यहाँ यहाँ मारिए मुझे। बॉस इसकी बातों में मत आइए। तू क्या सर को भड़का रहा है? मैं बताता हूँ ना सर, मैंने मैडम को लेटर दिया, रियलिटी शो था, फूल दिया, मैटिनी शो था। और अब ये कहेगा ये फिल्म का नाइट शो है। हो सकता है ये कहे कि मैं गली का गुंडा हूँ, है ना बे? तू यही कहने वाला था ना सर को? इसका यकीन मत कीजिए बॉस, ये एक्टिंग में सबका बाप है। ए, बाल का अकाल, मारता है छू होता है, मारता है छू होता है, यही बोलेगा। कब आता है कब जाता है, कब आता है कब जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है, यही कहना ना मेरे बारे में? बोलना, बोल। खामोश खामोश, आखिर तुम हो कौन? ये हुई ना बात, इन गधों ने मुझसे यही सवाल नहीं पूछा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई तो मुझे ही पूछता। बॉस ये हमें बातों में बहका रहा है, पूछिए इसे, इसने मैडम को किडनैप किया या नहीं। एड़े, मैंने कब मना किया, कब मना किया मैंने? मैंने मैडम को किडनैप किया। पर क्यों? ताकि आपको पता चले आपने कितने गधे पाले। सर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऐसे गधों की फौज पालने के लिए, इनके बदले मुझे एक मौका देकर देखिए सर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस से एक एप्लीकेशन कम हो जाएगी। आज से तेरी बाइक मेरी हो गई और सिग्नल पे जो मेरी बाइक है उसे तू उठा लेना। चलता हूँ सर। बाय मैडम। बॉस ये मेरी बाइक है। कल से तुम उसके अंडर काम करोगे। मुझे तो लगता है हम दोनों को आज के आज नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। मुझको नहीं, तुमको ढूंढना है।
हेलो, कौन है? आवाज नहीं पहचानी मेरी? मैं हूँ। माफ करना दयानंद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया है। एक रोड़े के अलावा अब हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। मतलब काम शुरू कर सकते हैं? तुम्हारी आवाज में खुशी नहीं झलक रही। मैं कामयाबी की सरहद पर खड़ा हूँ, पर उसे पार करने में एक अड़चन आ रही है। मैं पॉलिटिक्स की कुर्सी पर बैठा हूँ, सब संभाल लूंगा बंधु। पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक लड़का हाथ धोकर माधवी के पीछे पड़ा है। मुझे डर है कहीं वो लड़का मेरी बेटी को भगा कर ना ले जाए। उसे कुछ दिन के लिए उस लड़के से दूर रखो, दोनों को मिलने मत दो। उस लड़के को हम 1 जनवरी के बाद देखेंगे, ठीक है ना? वही करना पड़ेगा। 1 जनवरी तक 20 लाख रुपए जमा कर दोगे? कर दूंगा डॉक्टर। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं ऑपरेशन की डेट बता दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुम ऑपरेशन के पैसे दे दोगे? पर मैं तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। बवंडर ने माधवी का कॉलेज जाना बंद कर दिया है। उसके जन्मदिन तक उसकी सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया है। अब तुम्हारे बाबा की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो। 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए इसी वक्त आ रहा हूँ। नहीं प्लीज, इस बार रिस्क मत लेना। देखो माधवी, मैंने तुम्हारे 3 टेस्ट पास कर लिए, मुझे तुमसे वो 3 शब्द सुनने हैं। प्यार का इजहार टेंशन में या प्रेशर में नहीं करते। 31 दिसंबर को मैं डांस स्कूल आ रही हूँ, ठीक रात 12 बजे जब सब लोग नए साल को वेलकम कर रहे होंगे, तब मैं तुम्हें आई लव यू कहकर अपने दिल में तुम्हारा वेलकम करूंगी। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतने सुबह सुबह फोन क्यों किया? तुझे एक शॉकिंग न्यूज देनी है बेटा। December 31st को रात ठीक 12 बजे मैं बैट जीत जाऊंगा और तू फिर से हारेगा। अपने साथ पैसे लेकर आना, अपनी आंखों से देख लेना, कानों से सुन लेना, माधवी मुझे आई लव यू कहेगी। आइए आइए आइए। सर, दयानंद जी अभी तक आए नहीं? वो यहाँ नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं मीटिंग में। ए, इधर आ। इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ये तो कोल्ड ही नहीं है, फ्रिज में नहीं रखा था क्या? बर्फ डाल कर लाऊं? बर्फ नहीं, ठर्रा डाल के ला। टाइम टाइम की बात है। सुनो, 12 बजने वाले हैं, जाकर माधवी को ले आओ। जी। सुनिए जी, माधवी अपने कमरे में नहीं है। ध्यान से देखो, वही होगी वो। हर जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रही है। धोखेबाज, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ माधवी, क्या हुआ? डैड को हमारे बारे में पता चल गया, भाग चलते हैं। चलो भाग जाते हैं, प्लीज चलो। मैडम को हमारे हवाले कर दे और निकल ले यहां से। तुम कुछ धमाकेदार देखना चाहोगी? पलक मत झपकना। आई
ये क्या कर रहे हैं आप? गोलियां मत चलाइए। अगर ये गोली आपकी बेटी को लग गई तो? बेटी? हाँ। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसे पाला ताकि मैं उसे मार सकूं। वो कोई मामूली लड़की नहीं ले गया, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले गया।